आ गया है पांचवा नवरात्रा, स्कंद माता का नवरात्रा। स्कंद देवी जो है वो कार्तिकेय की मम्मी है, है तो पार्वती ही माँ, ठीक है, गणेश की मम्मी, कार्तिकेय की मम्मी, गोद में बिठा रखा है उन्हें। कल अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, या आपके बच्चों का करियर कहीं रुक गया है, पीआर नहीं आ रहा, नौकरी नहीं मिल रही, बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, या आप माँ नहीं बन पा रही हैं, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि आपका सोया हुआ भाग्य चमक जाए, जाग जाए, तो सबसे पहले तो कार्तिकेय भगवान के समक्ष गाय के घी का दीपक अलग जलाइएगा, और कल के दिन माँ पार्वती को हल्दी के पानी से ज़रूर स्नान कराइएगा। जो शिव जी जी के पास पार्वती जी होती हैं, शिव परिवार होते हैं, वहाँ उन पर हल्दी का पानी अर्पण कीजिएगा, और कार्तिकेय जी को अपनी मनोकामना को बोलते हुए खिलौना देकर आइएगा। कहना, प्रभु मेरा बच्चा ये काम नहीं कर पा रहा, या ये काम उसका हो जाए, या उसकी ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या मेरे बच्चे को तीन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिल जाए, और मेरे बच्चे का पीआर आ जाए, मेरे बच्चे को जॉब मिल जाए, और कोई भी एक खिलौना आज खरीद लीजिए और वो कार्तिकेय जी के पास रख कर आइएगा। इससे पार्वती माँ आपको तीन दुगनी रात चौगनी तरक्की देगी और आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेगी। इस उपाय को आप आने वाले किसी भी प्रदोष में दोबारा भी एक बार से कर सकते हैं। वैसे तो विश्वास के साथ कीजिएगा, और खिलौना लाने में कंजूसी मत कीजिएगा। माँ पहली बारी में आपकी बात सुनेगी। कल माँ को केले का भोग लगाया जाता है, ओए होए, केला बांटिए, केले का भोग लगाइए, और केले का एक बहुत अच्छा उपाय, दो मिनट का उपाय, ज़िंदगी बदल जाए। कल मैं आपके साथ YouTube पर शेयर करूँगी, उसे ज़रूर देखिए। कमेंट्स में जय माता दी।